Hello everyone and welcome to PharmaRocks YouTube channel. PharmaRocks, the way of success. Today's expert lecture is on a tablet dosage form by Mr. Amar Rawal. He is a PhD scholar and owner of the PharmaRocks, the way of success. So in the previous lectures, part 1 and part 2, we have studied about the various types of tablet, their classification, advantage, disadvantage, definition, ideal properties of a tablet. Okay, then in a part 2 we have studied about the tablet ingested in a oral cavity, and in this video we will study about the tablet used in oral cavity. Matlab ki previous lecture mein humne jo tablets ka classification dekha in detail wo thi ki tablet ingested in a oral cavity, matlab ki oral cavity se tablet ingested hoti hai. Okay, और वो पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में उसकी इफेक्ट देती है. ओके, फ्रॉम ओरल कैविटी टू रेक्टल कैविटी तक. ओके, इन टुडेस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द टैबलेट यूज इन ए ओरल कैविटी. मतलब कि ये जो टैबलेट्स जो है जिसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी, तो ये जो टैबलेट है ओनली ओरल कैविटी के लिए यूज होती है और उनकी जो ड्रग रिलीज है वो भी ओनली ओरल कैविटी में होगी. तो उसका फर्स्ट टाइप है वो है बकल टैबलेट, एग्जांपल विटामिन सी टैबलेट. सेकंड वन इज ए सबलिंगुअल टैबलेट, एग्जांपल विक्स मेंथोल टैबलेट, एंजाइना पेन टैबलेट. थर्ड वन इज ए ट्रोचिस एंड लॉजेंजिस, एंड फोर्थ वन इज ए डेंटल कॉन. तो ये जो चार टैबलेट्स है मेनली यूज इन ए ओरल कैविटी. So let's check in a detail buccal and sublingual tablet. First one is a buccal and sublingual tablet. These are small flat and oval tablets. Tablets intended for a buccal administration by inserting into the between cheek and teeth or in the cheek pouch, where a sublingual place in the beneath of a tongue. Okay. सो जो सबलिंगुअल टैबलेट है वो बिलो द टंग या फिर बीनीथ ऑफ द टंग जो है वो वहाँ पे प्लेस करनी है, और जो बकल टैबलेट है वो बिटवीन द चीक एंड ए टीथ. टैबलेट मस्ट कंटेनिंग स्वीटनिंग एजेंट एंड एक्सिपिएंट यूज इन ए टैबलेट फॉर्मुलेशन विच आर नॉट स्टिम्युलेट सलाइवेशन. मतलब कि हमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करने हैं कि जो हमारे ओरल कैविटी के अंदर सलाइवरी सिक्रेशन को इंक्रीज करे. ओके, टैबलेट डिजाइन नॉट टू डिसइंटीग्रेट बट मे डिजोल्व स्लोली ओवर 15 टू 30 मिनट टाइम पीरियड. मतलब कि जो बकल टैबलेट है सबलिंगुअल टैबलेट में भी अलग अलग टाइप्स आते हैं कि माउथ डिजोल्विंग टैबलेट्स आती है, फास्ट डिजोल्विंग टैबलेट्स आती है, कि ये जो टैबलेट्स जो है वो विद इन 30 मिनट्स, 15 से 30 मिनट के टाइम पीरियड के अंदर डिसइंटीग्रेट नहीं बट डिजोल्व ही हो जाएगी. ओके, पूरे तरह उसके जो सभी इंग्रेडिएंट्स जो है वो ओरल कैविटी में इजीली डिजोल्व होना जरूरी है. ओके, तो बकल टैबलेट कहाँ पे प्लेस करनी है? बिटवीन द चीक एंड टीथ, एंड सबलिंगुअल टैबलेट्स बिलो द टंग. ओके, और स्वीटनिंग एजेंट ऐड करना बहुत ही जरूरी है बिकॉज ये टैबलेट्स जो है वो ओरल कैविटी के अंदर हम इंसर्ट करने वाले हैं. ओके, बकल एंड सबलिंगुअल टैबलेट्स देयरफॉर दे आर फॉर्मुलेटेड एंड कॉम्प्रेस विद सफिशियंट प्रेशर टू गिव ए हार्ड टैबलेट. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय दिस रूट आर इंटेंडेड टू प्रोड्यूस सिस्टेमिक ड्रग इफेक्ट बाय अवॉइडिंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. ओके, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ड्रग रिलीज जो है वो हमारी ओरल कैविटी में ही होगी. सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की जो जब भी जो हमारी मेडिसिंस वगैरह जो है वो जीआई ट्रैक को क्रॉस करती है, स्टमक वगैरह को क्रॉस करके इंटेस्टाइन एंड रेक्टल कैविटी तक पहुंचती है, तो उसे हम कहते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. बट ये ड्रग ऑफ ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, ड्रग जो है वो डायरेक्टली ओरल कैविटी में ही रिलीज होती है. सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो अवॉइड हो सकता है और जो हमें ड्रग एक्शन मिलेगी वो मिलेगी फास्टर एज कंपेयर टू द अदर ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन.
Therefore, they are formulated and compressed with a sufficient pressure to give a hard tablet. And drugs administered by this route are intended to produce systemic drug effect by avoiding first pass metabolism. They also provide the fast action. So, the buccal and sublingual tablets are also available in a form of fast dissolving tablet and a mouth dissolving tablet. Advantages are gastric decomposition is avoided, onset of drug action is more rapid, and first pass effect is avoided. It is the main advantage of these tablets. Here is the example, the cheek buccal tablet, which was placed between the cheek and teeth, and sublingual below the tongue. Next one is the troches and the lozenges. Intended to exert local action in a mouth or throat. These are commonly used to treat sore throat or to control coughing in a common cold. Lozenges are originally termed as a pastilles, but are commonly called cough drops containing a sugar candy base. जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो पूछा गया था क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉल कॉफ ड्रॉप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड डोजेस फॉर्म इज कॉल ए कॉफ ड्रॉप. सो करेक्ट आंसर इज ए ट्रोचिस एंड लॉजेंजिस. ट्रोचिस एंड लॉजेंजिस आर कॉल ए कॉफ ड्रॉप्स. सो दे प्रोवाइड द लोकल एक्शन इन ए माउथ और इन ए थ्रॉट एंड दे ऑल्सो टर्म एज ए पेस्टाइल्स and cough drops. Lozenges made by the compression but are usually formed by fusion or candy molding process. Trocheses are made by compression. This tablet are designed not to disintegrate in the mouth but dissolve or slowly erode over a period of 30 minutes or a less. ये जो tablets जो है वो हमें स्वेलो भी नहीं करनी है या फिर उसको डिसइंटीग्रेट भी नहीं करना है. ओके, बट अप टू 30 मिनट्स या फिर उससे कम टाइम तक वो जो है वो हमारी ओरल कैविटी में स्लोली स्लोली उसकी ड्रग जो है वो रिलीज करके कम्प्लीटली डिजॉल्व होना जरूरी है और उसकी जो ड्रग एक्शन होगी वो प्रोवाइड करेगी एंड विच गिव्स द रिलीफ फ्रॉम ए कॉफ ड्यूरिंग द कॉमन कोल्ड. Here is the example, clotrimazole lozenges and clotrimazole troches. Also available with a ginger and some other herbal formulation in the treatment of cold and cough. Next one is the dental cones. Dental cones are relatively minor tablets that are intended to be placed in an empty socket remaining follow tooth extraction. Their usually purpose is to prevent multiplication of bacteria and reduce the bleeding by antibiotics and astringent or anticoagulant. मतलब कि जो dental surgeries वगैरह होती है इन्हें oral cavity या फिर जो teeth जो हमारे tooth का extraction होता है. Okay, tooth extraction होता है कि समझो कि tooth oral cavity में जो टूथ में कोई कैविटी प्रोड्यूस होती है, जर्म्स बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है. ओके, तो वो टाइप की जो कंडीशंस की ट्रीटमेंट के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया का, उसको रिड्यूस करने के लिए डेंटल कॉन्स जो है वो यूज़ होते हैं इन फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक, एस्ट्रिंजेंट एंड एंटी कोएगुलेंट्स. Next is usually vehicle is a sodium bicarbonate, NaCl or a amino acids. Tablets should dissolve or erode slowly in the presence of small volume of serum or fluid over a 20 to 40 minutes of time period. मतलब कि dental cones जो है वो dental cavities के अंदर जो है mainly insert किए जाते हैं. Okay, for the prevention of multiplication of a bacteria and reduce the bleeding by antibiotics and astringent and anticoagulant. Then जो dental analgesic drug है वो भी इसके साथ दी जाती है to reduce the pain in a dental extraction.
इस तरह से कि डिजाइन टू बी प्लेस इन द एम्प्टी सॉकेट रिमेनिंग फॉलोइंग अ टूथ एक्सट्रैक्शन. इट इज फॉर्मुलेटेड टू डिजोल्व स्लोली इन ए प्रेजेंस ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सीरम फ्लूइड ओवर ए 20 or 40 minute पीरियड्स. यूज टू प्रिवेंट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉकेट बाई एम्प्लॉइंग ए स्लो रिलीज एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन and to reduce the bleeding by containing an astringent or amino acid or a anticoagulants. So mainly जो dental caries related जो diseases है उनकी treatment के लिए जो है वो use होते हैं dental cones. Next one is our part C, tablet administration by other route. Okay, oral cavity वाली tablets थी sublingual tablet, then बकल टैबलेट, लोजेंजिस, ट्रॉचिस एंड डेंटल कॉन्स. उसके बाद नेक्स्ट आता है टैबलेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय अदर रूट्स. तो उसमें एक है इम्प्लांटेशन टैबलेट और दूसरा है वजाइनल टैबलेट, एग्जांपल क्लोट्राइमाजोल टैबलेट. सो सबसे पहले हम देखेंगे इम्प्लांटेशन टैबलेट, इसको हम कहते हैं डेपो टैबलेट. तो डिजाइन फॉर सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशन इन एनिमल और इन ए ह्यूमन. सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशन मतलब कि जो इम्प्लांट्स किए जाते हैं बॉडी कैविटी के अंदर या फिर बॉडी के कुछ पार्ट में या फिर स्किन में आप इम्प्लांट्स लगाते हो, ओके, स्किन के अलग अलग लेयर्स में. तो जो सबक्यूटेनियस लेयर है मेनली स्किन का, वहाँ पर इम्प्लांटेशन करने के लिए जो इम्प्लांटेशन टैबलेट जो है वो यूज होती है उसको डेपो टैबलेट भी कहा जाता है, मेनली इन एनिमल और इन ए ह्यूमन. टैबलेट्स आर यूजली स्मॉल सिलिंड्रिकल रोड शेप एक्सेट्रा, टिपिकली नॉट मोर देन 8 mm लेंथ एंड आर स्टराइल इन ए फॉर्म. पर्पोज इज टू प्रोलॉन्ग रिलीज ऑफ ए ड्रग रेंगिंग फ्रॉम 1 month to 1 year. ये पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि 1 महीने से लेकर 1 साल तक उसकी जो है वो ड्रग रिलीज जो है वो होती है, प्रोलॉन्ग ड्रग रिलीज, ओके, रेंजिंग फ्रॉम 1 month to 1 year. 1 month से लेकर 1 साल तक वो अपनी ड्रग रिलीज जो है वो देते रहेगा. स्पेशल टाइप ऑफ कैन इंजेक्टर आर यूज टू एडमिनिस्टर रोड सेप टैबलेट्स, अदर सेप इन अदर सेप सर्जरी इज ए रिक्वायर. Disadvantage is surgery require. Once tablet is administered, it will difficult to remove when skin reaction is arise. Generally, water insoluble and sterile drugs are used. Implantation में difficulty क्या है, तो एक ही difficulty है कि समझो कि एक बार समझो कि वो tablet को administer हम कर देते हैं तो उसको निकालना जो है वो थोड़ा difficult है. अगर कि समझो कि कोई skin infection होता है, irritation होता है या फिर कोई स्किन के साथ जो है वो रिएक्शन करता है वो इम्प्लांट, ओके. बट मेन एडवांटेज है उसका कि 1 साल तक जो है ड्रग रिलीज दे सकता है. हियर इज द इम्प्लांटेशन. सो इस तरह की जो डिवाइस जो है वो यूज होती है फॉर इम्प्लांटेशन टैबलेट. सो स्मॉल सिलिंड्रल और रोसेट शेप फॉर्म्स नॉट मोर देन 8 mm इन ए लेंथ. Designed for subcutaneous implantation, provide as a constant a drug delivery rate as possible. Provide a prolong 1 month to 1 year तक जो है वो उसकी prolong action जो है हमें provide कर दे. ऐसे जो यहाँ पे diagram में दिखाया गया है कि ऐसे shape के जो है वो implants जो है वो किए जाते हैं इन ए subcutaneous layer. Next one is the vaginal tablet. Vaginal tablets are designed to undergo slow dissolution and drug release in a vaginal cavity. They are substitute for traditional pessaries. Tablets are typically ovoid or sphere shaped to facilitate retention in a vagina. मतलब कि tablets का जो shape है वो रहेगा ovoid shape और pear shape. So वो vagina के अंदर easily जो है long time तक वो रिटेन हो सके.
Component of this tablet should be compatible with the plastic tube inserter, which are used to keep tablet into the upper region of the vaginal tract. Generally, antibacterial, antiseptic or astringents are used to treat the vaginal infection. जो vaginal infection का जो की treatment करने के लिए vaginal tablets जो है वो use होते हैं, mainly use in a insertion in a vaginal cavity, okay? And the medicines mainly used are antibacterial, antiseptic and astringent. Here is the example, vaginal tablet, intimate. हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है टैबलेट यूज टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टैबलेट्स आर यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, मतलब कि ये जो हम टैबलेट्स बनाएंगे उसको ना ही ओरल कैविटी में यूज़ करना है ना ही उन्हें स्वेलो करना है, ओके? वो यूज होती है टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन बनाने के बाद वो सॉल्यूशन के अलग अलग जो है हम यूज़ कर सकते हैं. तो उसका अलग अलग टाइप है. फर्स्ट वन इज़ द एफर्विसन टैबलेट, एग्जाम्पल इज अ डिस्प्रिन टैबलेट. सेकेंड वन इज अ डिस्पेंसिंग टैबलेट लाइक फॉर द एंजाइम टैबलेट. थर्ड वन इज ए हाइपोडर्मिक टैबलेट एंड फोर्थ वन इज ए टैबलेट ट्राइचुरेट्स. तो सभी को हम डिटेल में देखेंगे. वो है फर्स्ट वन, इट इज ए एफर्वेसेंट टैबलेट. सो इन एडिशन टू द ड्रग सब्सटेंस दिस कंटेन ए सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑर्गेनिक एसिड एंड सच एज टार्ट्रिक और साइट्रिक एसिड. हम सभी को पता है कि जो एफर्वेसन टैबलेट के अंदर जो मटेरियल यूज होते हैं वो है एक सोडियम बाइकार्बोनेट एंड दूसरे जो है ऑर्गेनिक एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड एंड ए साइट्रिक एसिड. सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दिस एडिटिव्स रिएक्ट एंड लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच एक्ट एज ए डिसइंटीग्रेटर एंड प्रोड्यूस एफर्वेसेंस. सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये जो इंग्रेडिएंट्स है सोडियम बाइकार्बोनेट साइट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करेंगे विच एक्ट एज ए डिसइंटीग्रेटर. सो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि इन द एफर्वेसन टैबलेट डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट आर नॉट यूज बिकॉज कि उसके जो इंग्रेडिएंट ही है वो ही डिसइंटीग्रेंट का काम करते हैं बाय लिबरेटिंग द CO2 गैस व्हेन दे आर एडेड इन ए वाटर. एक्सेप्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ए लुब्रिकेंट प्रेजेंट एफर्वेसन टैबलेट्स आर सॉल्युबल. टैबलेट प्रोड्यूस ए प्लीजेंटली फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक विच असिस्ट इन मास्किंग द टेस्ट ऑफ सर्टेन ड्रग. ये पॉइंट पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एफर्वेसेंस प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होंगे कि फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है वो हमारा तैयार होगा और वो जो है वो कुछ अनप्लीजेंट ड्रग्स का टेस्ट भी मास्क करेंगे क्योंकि हम उसमें कोई फ्लेवर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं. ऑरेंज फ्लेवर है, रास्पबेरी फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वगैरह, ओके? सो इस तरह से है कि ये जो समझो कि डिस्प्रिन या फिर एफर्वेसन टैबलेट जो आपने बनाई है तो उससे आपको क्या करना है, पहले यू हैव टू डिजोल्व इट इन ए वाटर एंड आफ्टर दैट इमीडिएटली यू हैव टू ड्रिंक दैट वाटर विथ एफर्वेसन. जैसे कि है इनो को हम यूज करते हैं ऐसे ही ये एफर्वेसन टैबलेट आती है. नेक्स्ट वन इज अ डिस्पेंसिंग टैबलेट्स. दिस टैबलेट प्रोवाइड ए कन्वीनियंट क्वांटिटी ऑफ ए पोटेंट ड्रग दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन बाय अ फार्मासिस्ट और कंज्यूमर बाय डिजोल्विंग इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर. डिस्पेंसिंग टैबलेट कि समझो कि आपको कुछ डिस्पेंस करना है तो आप क्या करोगे, वो रेडीमेड टैबलेट लाके वो स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर वो टैबलेट को डिजोल्व करोगे. दिस टैबलेट्स आर सप्लाई प्राइमरली एज ए कन्वीनियंस फॉर ए एक्सट्रेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग एंड शुड नेवर बी डिस्पेंस एज ए डोजेस फॉर्म. डिस्पेंसिंग टैबलेट जो है वो समझो कि अलग अलग सॉल्यूशंस जो है वो बनाने के लिए खास करके यूज़ होती है. समझो कि हमें बफर सॉल्यूशन बनाना है PH4 का, तो मार्केट में PH4 के लिए ऑलरेडी ऐसे टैबलेट्स जो है वो आती है. उसको आपको क्या करना रहता है कि सब उस पर प्रोसीजर लिखी होती है कि
take the 100 ml water and dissolve one tablet to make a pH buffer solution containing a pH 4. तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली डिस्पेंसिंग टैबलेट जो है आपने ली, उसको वाटर में डिजोल्व किया और बफर सॉल्यूशन को तैयार किया। ऐसे ही अलग अलग सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने के लिए इस तरह की डिस्पेंसिंग टैबलेट्स जो है वो यूज़ होती है। और दूसरा एक एग्जांपल है कि द मेडिकामेंट्स कॉमनली इनकॉर्पोरेटेड इन द डिस्पेंसिंग दिस टैबलेट्स इंक्लूड अ माइल्ड सिल्वर प्रोटीनिएट, बाइक्लोराइड ऑफ ए मर्क्यूरी, मरब्रोमिन एंड क्वार्टरनरी एमोनियम कंपाउंड्स। दिस टैबलेट कंटेन एक्सिपिएंट विच गेट्स डिजोल्व क्विकली टू फॉर्म ए क्लियर सॉल्यूशन। ये टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं कि इजीली वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व। और उसके जो एग्जांपल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि माइल्ड सिल्वर प्रोटीनेट देन मर्क्यूरी बाइक्लोराइड, ओके मर्क्यूरी बाइक्लोराइड एंड क्वार्टरनरी एमोनियम कंपाउंड्स। दिस टैबलेट्स आर हाईली टॉक्सिक इफ टेकन ओरली बाय मिस्टेक, सो ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन इन द पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ सच टैबलेट्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर मिसयूज। यहाँ पे हमने जो डायग्राम में दिखाया है कि मर्क्यूरी बाइक्लोराइड का जो है टैबलेट है, ओके वहाँ पे ऐसे देखो डायरेक्शन लिखी है कि पॉइजन फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ये लेबलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज दे आर वेरी टॉक्सिक इन ए नेचर एंड इफ समवन यूज इट बाय ओरली देन इट शुड बी अ वेरी पॉइजनस फॉर दैट पर्सन। सो ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन इन द पैकेजिंग, सो वी मस्ट हैव टू इंक्लूड द लेबल लाइक द पॉइजन, इट इज़ अ डेंजर एंड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। नेक्स्ट इज अवर टॉपिक इज ए हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। नेक्स्ट टाइप है वो है हाइपोडर्मिक टैबलेट्स, इट इज कॉल्ड HT। दीज आर कॉम्प्रेस टैबलेट्स विच आर कंपोज ऑफ वन और मोर ड्रग्स विथ रेडिली वाटर सॉल्यूबल इंग्रेडियंट्स। दिस टैबलेट्स आर डिजोल्व इन ए स्टराइल वाटर और वाटर फॉर इंजेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेट बाय ए पेरेंट्रल रूट। So special precautions are needed to taken during their preparations. These tablets, however, are not preferred nowadays as there are chances that the solution prepared for hypodermic tablets may be a non-sterile. नाम पर से इसका है कि hypodermic tablet, मतलब कि हाँ इसमें हमें क्या करना है कि tablet को use करके कैसा solution बनाना है, ओके और वो सॉल्यूशन को यूज़ करना है एज ए पेरेंट्रल, ओके पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी के अंदर, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमें वो सॉल्यूशन को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो टैबलेट लेंगे, फिर उसको डिजोल्व करेंगे इन ए स्टराइल वाटर और इन ए वाटर फॉर इंजेक्शन एंड देन आफ्टर वी यूज़ इट फॉर ए इंजेक्शन बाय इंट्रावेनस और एनी अदर पेरेंट्रल रूट। सो ये जो हाइपोडर्मिक टैबलेट्स को यूज़ करके उसका जो सॉल्यूशन बनाना है उसमें प्रिकॉशंस रखना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज की स्टरिलिटी इज़ रिक्वायर बिकॉज वी हैव टू एडमिनिस्टर दैट सॉल्यूशन वाया पेरेंट्रल रूट। सो बहुत ही केयर रखनी पड़ती है, काफ़ी उसको वाटर भी स्टराइल यूज़ करना पड़ता है, वाटर फॉर इंजेक्शन यूज़ करना पड़ता है और कुछ भी वगैरह एनी माइनर मिस्टेक में लीड्स टू अ दैट सॉल्यूशन नॉन स्टराइल, ओके सो दिस टैबलेट्स आर हाउएवर आर नॉट प्रिफर नाउडेज एज देर आर चांसेस दैट द सॉल्यूशन प्रिपेयर फॉर हाइपोडर्मिक टैबलेट्स मे बी ए नॉन स्टराइल, ओके सो हाइपोडर्मिक टैबलेट्स जो है वो अभी मार्केट में कम यूज होती है बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ स्टरिलिटी इश्यू। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के मॉर्फिन सल्फेट हाइपोडर्मिक टैबलेट। Hypodermic tablets are soft, readily soluble tablets and originally were used for the preparation of solutions to be injected. Tablets are intended to be added in a sterile water or in a water for injection.
All drugs are additive, must be highly purified. Main advantage is a portability of a tablets for a injection. And disadvantage is a medical situation is required like a sterility, and sterility is a necessary in a hypodermic tablets. Our next topic is a molded tablet, or it is also called as a tablet triturates, TT. Certain tablets may be prepared by molding rather than compression. ये point important है कि कुछ tablets जो है वो by using molding, mold जो है वो जैसे कि suppository mold आप use करते हो, okay? तो ऐसे अलग अलग mold use करके आप जो है वो tablet बनाते हो in place of using tablet punching machine or using compression force. The resultant tablets are very soft and soluble and are designed for a rapid dissolution. Tablet triturates usually are made from moist materials using a triturate mold, which give them the shape of cut section of a cylinder. Such tablets must be completely and rapidly soluble. मतलब कि ये टैबलेट को बनाना कैसे है कि आपको जो है वो मॉइस्ट मटेरियल जो है वो यूज़ करने हैं, उसके बाद क्या करना है उसको मोल्ड के अंदर आपको अलग अलग शेप देना है, उसके बाद कट करके उसका फाइनल शेप आपको सेट करना है कि समझो कि सिलिंड्रिकल सेट करते हो आपको आप उसका शेप ओवल शेप सेट करते हो, राउंड करते हो, अलग अलग शेप में उसको आपको कट करना पड़ता है. The problem arising from the compression of this tablet is the failure to find a lubricant that is completely water soluble. ये point काफ़ी important है कि the problem arising from the compression of this tablet is the failure to find a lubricant that is completely water soluble. Water soluble lubricants find करना बहुत ही difficult है. Alcohol is commonly used in a टैबलेट ट्राइचुरेट्स टू वेट द पाउडर मास. पाउडर मास को वेट करने के लिए, मॉइस्चर उसमें प्रोड्यूस करने के लिए मेनली अल्कोहल जो है वो यूज़ होता है. यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल और सॉल्वेंट इज यूज इन ए टैबलेट ट्राइचुरेशन टू वेट द पाउडर मास. तो इट इज़ ए अल्कोहल. अल्कोहल यूज होता है एंड द टैबलेट ट्राइचुरेट्स आर अ सॉफ्ट एंड फ्राइबल. ओके, यहाँ पे ये जो डायग्राम में दिखाया गया इस तरह के मोल्ड जो है वो यूज़ होते हैं, वो मोल्ड से पहले हम एक टैबलेट तैयार करते हैं और उसको फिर डिज़ायर साइज एंड शेप में हम उसको कट करेंगे बाय यूजिंग अ नाइफ्स. ओके, सो दिस इज़ रिगार्डिंग द टैबलेट क्लासिफिकेशन. सो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप कॉमेंट में हमें बता सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम टैबलेट के जो अलग अलग टेक्निक्स है बनाने की, जो इंग्रेडिएंट एक्सीपिएंट वगैरह यूज होंगे, वो पार्ट 4 के अंदर हम चेक करेंगे. सो टू बी कंटिन्यू इन ए नेक्स्ट लेक्चर. रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल कवर इन ए नेक्स्ट लेक्चर. इट इज़ अवर पार्ट 4 वीडियो. लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर सच मोर एजुकेशनल वीडियोज़. गुड लक फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस.